इस लोकतंत्र के इस फेस्टिवल में सारी जनता भागीदारी बने, सब लोग आए और वोट दें। और आपकी ये जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश के प्रति कि आप लोगों को इस ये पर्टिकुलर डे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ऐसे आसानी से मत छोड़िए इसको। और आपका जो अच्छा जो पार्टी है, जो आपके लिए इतना साल से इतना काम किया है, पिछले 10 साल में कितना देश का बदलाव लेकर आए हैं, इतनी सारी उपलब्धियां दी हैं, ऐसे एक पार्टी के साथ जुड़े रहिए। अभी तीसरी बार हमारे मोदी जी को वापस प्रधानमंत्री बनाने में आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, तो आप लोग, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग वोट जाने के लिए जाएंगे। पहले तो आप सब लोग घर से निकलिए, आपके रिश्तेदार हों, आपके साथी हैं, फैमिली मेंबर्स और मोहल्ले में जितने हैं सबको प्रोत्साहित कीजिए, उत्साहित कीजिए कि वोट देना बहुत जरूरी है। इसे कुछ ऐसे साधारण कुछ बात न समझें, ये तो देश के लिए है, देश के प्रति आप लोगों का कर्तव्य है, उसके जरूर निभाइए। लेकिन अखिलेश यादव ने आज नॉमिनेशन फाइल किया है कन्नौज लोकसभा सीट से और इसके बाद में उभरेंगे, सारे लोग अब यूपी नहीं आएंगे। सबका अपना अपना ख्याल है, अपना अपनी बात रखेंगे जरूर, विपक्ष के होने के बावजूद तो उनका काम है वो करना तो। लेकिन हमें पूरी तरह से यकीन है, विश्वास है हमारी जनता के ऊपर कि वो हमें ही चुनेंगे। लेकिन पहले फेज के वोटिंग के बाद सेकेंड फेज का कल वोटिंग होना है, आप यहाँ से उम्मीदवार हैं और जयराम रमेश का बयान आता है कि पहले फेज के बाद मोदी जी घबराए हुए हैं जो पहला फेज हुआ है, तो क्या वाकई आपको लगता है ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है, वी आर ऑल कॉन्फिडेंट। हम मथुरा में तो बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, तो पूरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, कृष्ण जी ने मुझे 10 साल यहाँ पे काम करने का अवसर दिया, अभी और 5 साल डेफिनेटली करेंगे, हम भी करेंगे और हम मोदी जी के अंडर उनके नेतृत्व में हम सारा काम करेंगे। और योगी जी हैं, योगी जी इतना अच्छा पूरा उत्तर प्रदेश को किया, तो उनके साथ मिलकर हम लोग बहुत अच्छा बढ़िया काम करेंगे जनता की सेवा।